सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल के आइकन को मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको PHP वेबसाइट पे लेटेस्ट अपडेट लगाना सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी नया एक लेटेस्ट अपडेट चालू हुआ है तो बहुत लोगों को नहीं पता कैसे उसको लेटेस्ट अपडेट लगाते हैं, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप मेरी वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं यहाँ पे अपना एडमिन पैनल खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एडमिन पैनल खोल चुका हूँ। ये मेरा नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये मेरा एडमिन पैनल खुल चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फोल्डर यूजर, तो मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अपनी साइट खोल लेंगे एक तरफ। अब मुझे लेटेस्ट अपडेट लगाने के लिए यहाँ पे देखिए ऐड फाइल ऐड अपडेट लिखा हुआ है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे चार कैटेगरी खुल जाएंगी, मिक्सर कैटेगरी, सॉन्ग नेम और लिंक। मिक्सर में अपना नाम डाल देना है, जैसे मैं कोई रिमिक्सर का डाल देता हूँ, अपना डाल देता हूँ डीजे मोहित राज। और यहाँ पे फ्री FLP डाल देते हैं, या फिर आपका बॉलीवुड सॉन्ग है तो बॉलीवुड सॉन्ग डाल दीजिए, या फिर जो सॉन्ग हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने फ्री FLP डाल दी। यहाँ पे गाने का डॉप डाल देंगे तो मैं यहाँ पे लास्ट एडर फाइल में जाके मैंने अभी एक FLP अपलोड की है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसको। तो ये है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। इसको इस लिंक को आपको कॉपी करना है लेटेस्ट अपडेट लगाने के लिए, इस लिंक को आपको कॉपी करना पड़ेगा। इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिंक लिखा हुआ, लिंक पे पेस्ट कर देते हैं। अब बचा यहाँ पे नाम, सॉन्ग का नाम भी यहीं से हम कॉपी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा, तो इसको यहाँ से सीधा यहाँ तक कॉपी कर लिया कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए सबमिट कर देते हैं, आपका लेटेस्ट अपडेट लग जाएगा। चलिए होम पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मेरा लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे लग चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह से न्यू स्टाइल में लेटेस्ट अपडेट लगा सकते हैं। इसमें आपको कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले कोड की ज़रूरत पड़ती थी तो अब इसमें कोड की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से लेटेस्ट अपडेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा एक नया वेबसाइट बनने वाला है djmohit.net। तो दोस्तों मेरे साइट को भी आप फॉलो करते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।